वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे औरत मार्च के हवाले से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाज़ी ने, जैसे कि हमने पहले कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगी, तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। औरत मार्च का चर्चा जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है, आपको क्या आप क्या कहती हैं, आपका तजिया क्या कहता है, आपका नज़रिया क्या कहता है बींग अ लेडी कि औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये बताएं। देखिए, औरत मार्च होना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। किसी भी चीज़, जब कोई चीज़ लिमिट से गुजरती है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब शामिल हो जाती हैं। औरत को अपने हकूक़ के लिए चाहे मार्च करे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो बात करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस करना ये जुर्म है। सही, तो आप क्या कहती हैं कि मतलब औरत अपने हुकूक के लिए जो है ये मार्च कर सकती है? हमने देखा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे दर्ज थे और मेरी जुबान मेरी मर्जी, इस तरह के नारे जो प्ले कार्ड्स पे दर्ज किए गए थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो सके? देखिए, मेन इशू तो कोकब ये है कि नारे, इस किस्म के नारे तो कम अज़ कम मैं तो इनको नहीं बेहतर समझती हूँ, लेकिन वजह यह है कि जो जिन्होंने ये नारे दर्ज किए, ये बातें तो आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चूंकि देखें, जब लास्ट ईयर की बात आप कर रहे हो जिस किस्म के रिमार्क्स थे, तो लास्ट ईयर तकरीबन थोड़े टाइम का ही डिफरेंट था कि मेरी पार्टी ने भी मार्च किया और वुमेन एम्पावरमेंट में हमारी पीपल्स पार्टी का और मेरी शहीद बीबी का जो रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये नारे लगाना और अपने हकूक़ मांगना, चाहे वो रैली की सूरत में हो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई गुनाह नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए, उन ख़वातीन को अगर देखा जाए, तो उन्होंने तो हमेशा से ख़वातीन को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीपल्स पार्टी ही की जो है ना चेयरपर्सन थी जो वज़ीर आज़म एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा इक्तदार में आई, और अगर शहीद ना होती तो वो यकीनन थर्ड टाइम भी आती। इसी तरह से स्पीकर बनती है अगर कौमी असम्बली में तो खातून, अगर कराची अगर सुबह सिंध को ले लिया जाए तो डिप्टी स्पीकर बनती है तो दो दो दफ़ा खातून, और इस वक्त भी अगर डिप्टी स्पीकर है तो खातून। अगर देखा जाए तो डीआईजी में औरत को फ्रीडम बहुत है, बिल्कुल है। डीआईजी जेल खाना जात हैं, दोस्त हैं मेरी, वो अगर हैं तो वो खातून। अगर आपको वुमेन बैंक्स मिल रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी का मतलब रहा है कि खवातीन के हवाले से। अगर जेल मिल रही है तो वो खवातीन की अलग। अगर तमाम चीज़ें, पुलिस स्टेशन मिल रहे हैं वुमेन पुलिस स्टेशन मिल रहे हैं तो वो आपको मिल रहे हैं, वुमेन बैंक मिल रहा है तो वो आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ख़वातीन के लिए वैसे ही ऑलरेडी बहुत अपना जो रोल है वो प्ले किया है। खातून को अपने हकूक हासिल करने के लिए अगर कुछ करना पड़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन दायरा कार में दायरा कार, देखिए एक दायरा कार है, उसके अंदर से रह कर अगर कोई भी चीज़ हासिल की जाएगी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर मर्द जो है ना औरत के कपड़े पहन के शुरू कर दे कि जी मैं औरत हूँ, तो वो उससे औरत नहीं बन जाएगी। और अगर औरत कहे कि जी मैंने मर्दों के कपड़े पहन के मैं मर्द बन जाऊंगी, लेकिन तो वो औरत... ऐसा देखने में आ रहा है कि हो रहा है हमारे माशरे में, ऐसा भी होता है। देखिए होता है, होने को कोई बुराई नहीं, होने को कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में ख्वातीन को एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। आका दो जहान ने, जब आप देखें कि हमारी शहजादी हजरत फातिमा जब तशरीफ लाती थी, या आपकी हलीमा माँ हमारी जो है वो तशरीफ लाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दिया करते थे। तो उससे बढ़कर तो इज्जत और एहतराम कोई है नहीं ना। और अगर हम कहें बराबरी, तो हमारे मजहब में कोकब, हमारे मजहब में बराबरी है, मर्द और औरत को बराबर की सतह पर है। लेकिन ये कुछ काम खवातीन के हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से जेब देते हैं और करने चाहिए, और कुछ मर्दों के करने के हैं। लेकिन हमारे माशरे में, कम से कम पाकिस्तान में, जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ औरत को है वो बिल्कुल हासिल है, और जो चीज़ हासिल नहीं है और उसके लिए भी अदालतें हैं, थाने हैं, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ एक है, बिल्कुल एडमिट करने वाली बात है कोकब, कि हमारे यहाँ खवातीन को
ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور کبھی بھی خاتون اگر اسٹرگل کرتی ہے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو اپنا مقام پانے میں. یہ مردوں کا معاشرہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں شہید بی بی نے جب چاہا کہ میرا ایک ویژن ہے, میں نے اس کو حاصل کرنا ہے, میں نے اچیو کرنا ہے. جب وہ پرائم منسٹر بنتی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کام کیے, لیکن جو کام انہیں پتہ تھا کہ یہ تکالیف میں نے جھیلی ہیں, جیل میں جھیلی, تو انہوں نے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے کہا کہ جیل بھی ان کی الگ ہونی چاہیے, ان کی انویسٹیگیشنز آفیسرز الگ ہوں, تمام چیزیں وہ اس ویژن کو لے کے چلیں. لیکن جب بی بی شہید صاحبہ کو اتنا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک ڈکٹیٹر اگر ہے تو ان کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے, یہ نہیں کہا کہ میں ایک عورت ہوں تو میں گھٹنے ٹیک لوں, اس لیے کہ وہ اپنے رائٹ پہ تھیں. اگر رائٹ پہ عورت ہو تو اپنے حقوق ضرور حاصل کر. صحیح. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مسرت, یہاں پر یہ بتائیے کہ عورت مارچ حقوق نسواں اجاگر کرنے کے بجائے تنازعات کی زرد کیوں طول پکڑتی چلی جا رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا عورت کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے؟ دیکھیں عورت کی پاور ہے, بالکل زیادہ ہے. زیادہ اس لیے کہ دیکھیں اگر فرض کریں, میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, اس لیے پاور زیادہ ہے کہ سپوز کہ میں اپنے شوہر یا اپنے بیٹے کی مثال دوں, میں اگر ماں ہوں تو اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہی ہوں کہ بیٹے آپ نے اپنی بہن کی عزت کرنی ہے, آپ نے اپنی ماں کی عزت کرنی ہے, تو اٹس مین کہ میں اس سے معاشرے میں یہ بار بار کروا رہی ہوں کہ آپ نے ایک عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ اس کی ماں بھی عورت ہے, اس کی بہن بھی عورت ہے. اور جب جوان ہوتا ہے, جب شادی ہوتی ہے, تو یقیناً اس کی بیوی بھی عورت ہے. ایک عام معاشرے میں جو خاتون ہے وہ بھی ایک عورت ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپوز کہ یہ آپ کا کیمرامین, میرا کیمرامین, میرا بیٹا ہے, میرا بھائی ہے, یہ کھڑا ہوا ہے, یہ اپنی ماں کی تو عزت کرے, اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں سامنے تو میری عزت نہ کرے. میں نہیں سمجھتی کہ اس کو کسی ماں نے سکھایا ہو کہ بیٹے صرف اپنے اپنے گھر کی خواتین کی عزت کرنی ہے, باقی کسی کی نہیں کرنی. تو معاشرے میں عورت بگاڑ کی جڑ بھی ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن عورت سنوارنے والی چیز ہے, عورت کسی بھی چیز کو سنوارتی ہے, عورت بگاڑ پیدا نہیں کرتی ہے. کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل جی, بالکل. لیکن میں آپ کو کہوں کہ بالکل ایسا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے کوکب جس طرح سے ہے, ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے. لیکن میں یہاں برملا کہوں گی کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد کا ہاتھ ہے. میری شہید بی بی کے پیچھے ان کے شہید والد کا ہاتھ تھا, اور اگر میں کہوں, اگر میں کسی حد تک تھوڑی بہت جو بھی میری کامیابی ہے, تو میری کامیابی کے پیچھے میرے والد صاحب کا یا میرے شوہر کا ہاتھ برابر کا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے. جیسے کہ مسرت آپ نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ٹپیکل مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں, حالانکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ سے سختی اور پابندیاں وہ دیکھی ہوتی ہیں, وہ شاید انہیں وراثت میں ملی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں ایسے لوگوں بارے میں کیا کہوں, میری اپنی فیملی یہی ہے کوکب. دیکھیں بہت زیادہ ٹپیکل قسم کے ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہماری فیملی بھی جو ہے وہ بھی کافی ٹپیکل مینٹیلٹی کی ہے اور کافی سخت ہے. اور میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ میری فیملی میں بھی کافی سخت ہے, اور آپ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. بینگ اے ویمن ہمیں اتنی فریڈم تو ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ٹو بی فرینکلی, میری فیملی میں بھی ایسا ہے. ایون کہ میرے فادر ان لا یا جو میرے فادر تھے, وہ دونوں تو بہت بہت ایکسٹرا آرڈنری اسٹرکٹ تھے. اور اگر میں آپ کے سامنے یہاں کامیاب اگر بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے اسپیشل میڈیا پہ بیٹھنے کی یا ان چیزوں کی پرمیشن ملی ہے, تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے انکل کو یا میرے بیٹے سے مل چکی ہیں, اس کو جاتا ہے کہ نہیں پاپا آپ کرنے دیں اور یوں کرنے دیں. حالانکہ میرے ہسبینڈ کوالیفائڈ ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں اور ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ ہے, صرف گھر کے لیے ہوتی ہے, چادر چار دیواری کے لیے ہوتی ہے. نہیں دیکھیں وہ بالکل ہے, لیکن جو معاشرے میں سوار عورت کر سکتی ہے اتنا مرد نہیں کر سکتا. اگر دیکھا جائے کہ دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے, تو خواتین میں کرپشن ریشو میں سمجھتی ہوں شاید 2 یا 3% بھی نہ ہو, اور اگر مرد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو
जहाँ मर्जी इंतहा पे भी पहुंच जाती है करप्शन, तो औरत जो काम कर रही होती बड़ा दायरा के अंदर रह के दायरा कार को, क्योंकि देखिए औरत के अपने क्राइटेरिया है, उसका अपना काम है, वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, ऐसे मर्द है वो पूरे घर को भी सपोर्ट करता है, औरत का महाफिज होता है, फिर ऑफिसेस को भी देखता है, लेकिन फिर भी मर्द की जानिब से ये कहा जाता है कि तुम करती क्या हो। नहीं ये तो शायद मेरे ख्याल में एक डायलॉग रह गए और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरत और मर्द में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी के दो पहिए हैं और इक्वलिटी पे चलते हैं। और अब उसके अंदर ये हम कहें कि जी टिपिकल फैमिलीज अभी मौजूद हैं कोकब हैं, बिल्कुल है कि जो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपनी ख़वातीन को बाहर निकलने दें और ख़वातीन कोई काम करें, तो वो भी अपने खुशहाल तरीके से रह रही होती हैं, हर एक का तरीका कार है, लेकिन औरत अगर बाहर आएगी तो वो और बेहतरी पैदा करेगी अपने बच्चों की तरबियत में, अपनी तरबियत में। आप कहते हैं कि जी जो बाहर काम करने वाली खातून है वो घर को नहीं देख सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कोकब? मैं समझती हूँ जो काम करने वाली खातून है, हमारे सामने तो मिसाल आप बैठी है ना, आप बाहर भी काम करती हैं, घर को भी देखती हैं, माशाल्लाह हर तरह से उम्र अंजाम दे रही हैं। वो सारी लिमिट के अंदर देखते हुए औरत ने एक जो है ना एक सख्त रूटीन बनाई हुई होती है कि मैंने इस टाइमिंग में ये करना है, इस टाइमिंग में, तो वो अपनी टाइमिंग उसकी जो है ना सेट होती है। और वो खातून जो है ना मैं समझती हूँ एक जस्ट हाउस वाइफ से ज्यादा स्ट्रगल भी करती है और काम भी करती है और कामयाब होती है, चाहे उसकी घरेलू जिंदगी हो चाहे बाहर की जिंदगी हो, और बच्चों को भी वो देखती है कि मेरे बच्चों पे कोई इस तरह ना कह दे कि खुद काम करती हैं, बच्चों में तवज्जो नहीं है, तो वो अपना जो है ना रख रखाव तरीके से करती है, मतलब हर चीज को बैलेंस में रखती है। अच्छा आप जैसे कि बता रही थी कि हम लोग भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराते हैं, वुमेंस डे आने वाला है, तो मतलब क्या आप लोग मैसेज देते हैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में? देखें हमारी तो 8 मार्च के हवाले से अब भी है और आई थिंक सो के हम तो मार्च भी करते हैं, लेकिन मे बी के कोरोना की वजह से पॉसिबल है कि हो सकता है कि हम मार्च वो ना कर सकें, लेकिन बिल्कुल आर्ट काउंसिल के अंदर 8 मार्च को हमारा है बिल्कुल सेमिनार है, और हमने तो ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन ख़वातीन को जो काम करती हैं। देखिए अगर कोई खातून गांव देहात के अंदर खेतों में काम कर रही है तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है ना अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। अगर कोई खातून ईंटों की जो भट्टी वगैरह होती है, ईंटें जहाँ बन रही होती है भट्टी में काम कर रही है, आप देखें रोड जब बन रहे होते हैं उसमें वो सफाई कर रही होती है, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है ना, वो भी काम है ना। अगर कोई पढ़ी लिखी है ऑफिस में काम कर रही है तो वो भी काम है, आप अगर मीडिया में कर रहे हो तो भी काम है, मैं पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में काम कर रही हूँ तो कोकब ये भी काम है, तो काम तो खातून को करना है। और आज के मौसम में तो मैं कहती हूँ एक बंदा बेचारा क्या अफोर्ड करेगा अपने जो महंगाई में हाल है। बिल्कुल लास्ट में हम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है खत्म होने की जानिब बढ़ रहा है, अच्छा लास्ट में वुमेन डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो अपनी तमाम बहनों को यही मैसेज दूंगी कि आप जो मार्च है ये सारी चीजें जो कुछ भी है अपने हकूक के लिए जंग लड़े, लेकिन अपनी एक लिमिट को क्रॉस ना करें, अपनी एक इज्जत को क्रॉस ना करें, जो ख़वातीन की रिस्पेक्ट है आप कर सकते हो और अब हमें करना चाहिए। और कोई भी इस मौशरे में ये बात नहीं हो सकती है कि जी मर्द खड़ा हो जाएगी जी आपने ऐसा क्यों किया, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आप बैरून ममालिक से देख लें तो पाकिस्तान में जो औरत की रिस्पेक्ट है, मैं अपने तमाम भाइयों को भी और अपने बड़ों को भी सलूट पेश करती हूँ जो औरत को रिस्पेक्ट देते हैं, और जो औरत को रिस्पेक्ट नहीं देते पाँव की जूती समझते हैं, वो उनको मैं ये मैसेज देती हूँ पाँव की जूती समझोगे तो औरत जो है ना उसी औरत ने तो आपको जन्म दिया, वो आपकी माँ है, उसको पाँव की जूती आप नहीं समझते, आपकी बेटी है उससे आप पाँव की जूती नहीं समझते, आपकी बहन है वो आपकी पाँव की जूती नहीं है, तो आपकी बीवी ही क्यों पाँव की जूती है, एक और औरत ही पाँव की जूती क्यों है, इस पे गौर कीजिएगा तो इंशाल्लाह आइंदा आप औरत को पाँव की जूती नहीं कहेंगे। बिल्कुल ही मुसर्रत ने बहुत ही प्यारी बात की कि आपकी बीवी ही आपकी पाँव की जूती क्यों है, और भी जो आपके मतलब रिश्ते हैं माँ बहन बेटी जो है वो क्यों नहीं आप इस बारे में इस तरह सोचते हैं, तो औरत की बिल्कुल जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिर्फ अपने घर की औरतों की नहीं, बाहर भी जो औरतें जो आपके साथ ऑफिस में काम करती हैं या आपके शाना बशाना कहीं भी या स्टॉप पर खड़ी होती हैं या कहीं भी औरत जो होती है वो इज्जत के लिए ही बनाई गई है और उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वजूद सन से है तस्वीर कायनात में रख। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।